हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अ सेट। उसमें पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। फ्रेंड्स, यूनियन में या और का साइन और होता है, यानी कि या तो एक्स यूनियन में होता है या तो एक्स जो होगा ए से होगा या बी से होगा। लेकिन इंटरसेक्शन क्या कहता है? एक्स जो होगा वो ए में भी होगा और एक्स जो होगा बी में भी होगा। ऐसे एलिमेंट का सेट जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि दोनों में कॉमन हो। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 2 3 4 6 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या है? जो इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 2 3 4 2 3 4 इसमें भी है और ये इसमें भी है, तो हम 2 3 4 ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अब फ्रेंड्स, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन से रिलेटेड, वो है हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी थ्री सेट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बी। और सेकेंड हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए और ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई, क्योंकि फाई जो कॉमन है उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। और ये ए इंटरसेक्शन यू बराबर ए, जहाँ पे यू यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन अगर ए सबसेट नहीं, सी सबसेट है ए का एंड सी सबसेट है बी का, देन ए इंटरसेक्शन बी भी आल्सो सबसेट होगा सी का। और अगला है अपने पास, अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन सी ए होता है। और लास्ट है अपने पास, वो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो कम्यूटेटिव लॉ है, सॉरी एसोसिएटिव लॉ है, उसको फॉलो करेगा।